हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सीपीओ में जो पिछले साल पेपर आया हुआ है 2018 में 12 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। तो आइए उसको हम लोग सीखते हैं। और इस चैनल पर ये हमारी टीम है, विक्रमजीत सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, सुमन शर्मा मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं पवन राव आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स, और शंभू सर पढ़ाते हैं आप लोगों को जीए और जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो अपना 12 मार्च 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट सेकंड हम लोग कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट कल की क्लास में हम लोग कर चुके, और ये क्वेश्चंस कितने आसान आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मेरी कहीं पर भी क्लास ली होगी तो एक बार आप लोग देखना कि इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यह आप लोग चेक करना। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं 23 सितंबर से एक पढ़ा रहा हूँ, 23 सितंबर से इवनिंग में अनअकैडमी प्लस पर लाइव बैच पढ़ा रहा हूँ, जो 1.5 घंटे का डेली मेरी 1.5 घंटे की क्लास होती है, 6 to 6:30, 7:30। और इस चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ, 7:30 है ये क्लास, और इस चैनल पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ 6 से 6:30 तक डेली मेरा वीडियो आता है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ मेरे बारे में, प्लस अनअकैडमी प्लस के बारे में, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में है, ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं, ये मैं आप लोगों को आप लोग खुद देख लेना। 7 मिलियन मिनट्स वो टाइम है मुझे अनअकैडमी प्लस पर स्टूडेंट देख चुके हैं। ये बस ये बताना था इसमें 6 to 6:30 आधे घंटे के लिए डेली इस पर पढ़ाता हूं, तो आप लोग इस चैनल पर आ सकते हो। एक डिस्क्रिप्शन में फीडबैक फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, उसको आप लोगों को जरूर भरना है ताकि हमें पता लगता रहे। काफी सारे स्टूडेंट्स ने सीपीओ के लिए लिखा, और उसी चीज के लिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा और ये पूरा स्टूडेंट्स ने भरा है फीडबैक फॉर्म, तो आपको भी फीडबैक फॉर्म भरना है ताकि कौन सी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ वो आपको पता लगता रहे। इस चैनल पर मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो जो अपने पास ये जो चैनल अपने पास टेलीग्राम जो चैनल है एसएससी एनग्रेव का टेलीग्राम ऐप का जो चैनल है उस पर मैं डेली आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है वो आप लोग खुद देखिए, ज्वाइन कैसे करना है वो आप लोगों को खुद को देखना है, ये तो आप लोगों को आता होगा। सबसे पहले आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल आप लोगों को ये इसलिए करना है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग पेड कोर्स ही लो, दोनों टाइप के कोर्स हैं, पेड कोर्स भी है आप लोगों के लिए और आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, और पेड कोर्स में लाइव पढ़ाया जाता है, तो आप लोग जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल पूरा एसएससी बैंक रेलवे, और सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद जो भी आप लोग चूज़ करना चाहते हैं, जो भी गोल उसको आप लोग चूज़ कर लीजिए। और लाइव भी अगर कोई पढ़ना चाहता है उसकी फ़ीस कम कैसे हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश सारा सब कुछ आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत सारी फैकल्टी है, मैं तो पढ़ाता ही हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी फैकल्टी हैं जिनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे तो उस फैकल्टी से पढ़ना है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी की सारी फैकल्टी पढ़ा रही हैं। ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया था 23 सितंबर को मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में है, तो ये ज्वाइन करने से पहले इसको आप लोग खुद ही देख लोगे। अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करता है, अगर इस पर इनरोल करते हो आप लोग किसी भी कोर्स के अंदर, तो पूरा शेड्यूल कौन से डे कौन सी क्लास होगी वो सारा का सारा शेड्यूल आपके मोबाइल पर आप लोगों को पता लगता रहेगा। आप लोग टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितने क्वेश्चंस किए, आपकी कौन सी रैंक है, वो सभी चीज़ों के बारे में आप लोग पता कर सकते हो, कितने करेक्ट कितने रॉन्ग। हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, या आप लोगों को एक बार बताने के लिए, लाइव बताने के लिए, कि इधर ऊपर लाइव अगर हम लोगों को पढ़ना है तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो चलती रहती है, हम लोग पढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, नीचे आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, और साथ साथ इधर जो है हमारा मटेरियल चलता रहता है, जो भी हम लोग लिखते हैं वो साथ साथ दिखाई देता रहता है, उसी टाइम हम लोग लिखते हैं। ध्यान रखना लाइव में और रिकॉर्डेड में सिर्फ यही डिफरेंस है, रिकॉर्डेड में ये चीज़ें पहले से लिखी भी रहती हैं, और लेकिन लाइव में चीज़ें हम लोग साथ साथ लिखते रहते हैं और साथ साथ समझाते जाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करता है या किसी भी एजुकेटर को ज्वाइन करता है प्लस पर, तो आप लोग ये सारी चीज़ें इतने फ़ायदा, आप लोग किसी भी आप लोग एजुकेटर से जो आपका फेवरेट एजुकेटर है उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, मुझसे तो पढ़ ही सकते हो, बाकी लोगों से भी अगर आप पढ़ना चाहो रीजनिंग इंग्लिश जीके वगैरह मैथ्स का भी कोई दूसरा अगर आप लोगों को लगता है दूसरे फैकल्टी से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो।
डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लाइव क्लास होती हैं और इसमें आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और वॉच ऑफलाइन भी वॉच कर सकते हो वीडियो को। अगर कोई भी स्टूडेंट आप लोग ज्वाइन करता है तो एक कोड याद रखना पवन लाइव, ताकि आपकी फ़ीस में डिस्काउंट हो जाए। जैसे आप लोग 6000 रुपये फ़ीस है, लेकिन रेफरल कोड की जगह अगर पवन लाइव या पवन आप लोग लिख दोगे तो अपने आप फ़ीस कम होकर 5400 हो जाएगी रेफरल कोड अप्लाइड होते ही, फ़ीस 10%। ये जो अपने पास 1 मंथ 3 मंथ्स ये सभी का प्लान है, लेकिन सबसे ठीक जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, क्योंकि ये सबसे कम चार्ज है, प्लस साथ साथ आपका एक साल में 2 या 3 बार सिलेबस हो जाता है। और ये जो अपने पास है 2 ईयर्स का प्लान भी है जिसका चार्ज है 9600, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम का जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, 2 साल तक कम फीस में पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये काम का है। तो आप लोगों को जैसा बताया पवन लाइव, जैसे अप्लाई करोगे अपने आप आपके चार्ज कम होकर 5400 हो जाएगा, और 2 ईयर्स की चार्ज है 9600 और कम होकर आपका चार्ज हो जाएगा 8640। ये बात आप लोग ध्यान रखना। रिव्यू हैं, आप लोग रिव्यू पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर, हम लोग कैसा पढ़ाते हैं उसके रिव्यू भी आप लोग देख सकते हैं। आइए अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, शुरुआत करते हैं हम लोग इसके। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल ABC और QPR दोनों के दोनों सिमिलर हैं, यह आप लोगों को पता होगा सिमिलरिटी का साइन होता है। यहाँ पर एक पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स देकर और दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, पूछी हैं, एक साइड पूछी है और एरिया का रेशियो भी हमें दिया हुआ है। आप लोगों को ऐसा याद होगा यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC और PQR जो भी दे, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC और इसमें पीछे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, मैं एक बार वैसे लिख रहा हूँ, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ध्यान रखना इनके एरिया का रेशियो, ट्रायंगल ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल PQR का एरिया, इनका एरिया का जो रेशियो होता है वो कुछ भी दे साइड AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर होता है, साइड्स के स्क्वायर, कोई सी भी साइड, तीनों में से चाहे ये साइड तो इसके दोनों के स्क्वायर, ये दे दे तो इन दोनों के स्क्वायर, और ये अगर दे दे तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो हमेशा उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वाला डायग्राम, मैं आपके लिए बनाता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, पहला एक ट्रायंगल है जो अपने पास है ABC, सिमिलर है किसके साथ, QPR के साथ। तो देखो जब भी आप लोग अगर बनाओ सिमिलर है QPR के साथ तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हो, जब भी इसको बनाओ तो दूसरे को ऊपर ही QPR ले लेना ताकि ज़्यादा ठीक है। इसके साथ सिमिलर है और इसकी जो साइड दी हुई हम लोगों को AC बराबर दिया हुआ है 12, AB बराबर दिया हुआ है 12, बस ये ध्यान रखना कौन सी साइड दी हुई है 18, AB बराबर 18 दिया हुआ है और हमें BC बराबर दिया हुआ है 15। यदि दो और इसकी साइड कौन सी पूछी हम लोगों को, PR पूछी है, ये वाली साइड इसकी पूछी है, इसको आप लोग अक्ष मान लो। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इनके एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है 9/4, एरिया का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो साइड का स्क्वायर। इसकी साइड इसके साथ सिमिलरिटी में साइड कौन सी है कॉन्ग्रेन, अपने पास इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है 15 और x, तो यहाँ पर होगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, रूट लोगे तो ये बन जाएगा 3/2 बराबर 15/x अगर है और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो x की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 3 से 5 बार और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमेशा ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन इतने आसान और CPO में इसलिए करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि वे में कोई परिवर्तन नहीं हो। द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज डिक्रीज बाई 15%, बाई वॉट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देर इज अ नो चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन का करने का आप लोग चाहे एक्स मान लो चाहे वाई मान लो चाहे कुछ भी आप लोग मान लीजिए, लेकिन एक्स वाई मानने के बजाय डायरेक्ट आप लोग करना, पहले 100 था और 50 कम हो गया तो कितना हो गया 85 हो गया, 15% कम हो गया, वापिस हमें तो 100 ही चाहिए, वापिस हमें तो कितना चाहिए 100 चाहिए, तो कितना अधिक होना चाहिए 15, किससे होना चाहिए 85 से, और परसेंट के लिए बताओ इनटू किससे करोगे 100 से,
तो 5 से कट गया 3 बार और 5 से 17 बार कट गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, उसने तो सोल्व भी नहीं करवाया कि आगे सोल्व करो, ऐसा भी नहीं बोला, तो यही अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि टोटल कंजम्पशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने, या कोई चाहता है कि मैं तो फ्रैक्शन से करूं, तो जरूरी नहीं हर चीज़ का फ्रैक्शन ही याद करो। एक तो गंदी आदत ये मत पकड़ लेना आप लोग, फ्रैक्शन 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 15%, तो 15% का फ्रैक्शन आप लोग कितना होगा मुझे बताइए, 3/20, तो इससे भी आंसर वही आना है। पहले 20 था, 3 कम हो गया तो 17 हो गया, बात वही है, वापस हमें 20 चाहिए या उल्टा चेंज हो जाता है इधर 17 और इधर वापस 20 उल्टा करने के लिए, क्योंकि 17 और 20 को गुना करोगे तभी तो दोनों टोटल सेम आएगा, इन दोनों को गुना करोगे तभी तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना भी सोचने के बजाय ये चीज़ें सोचते हैं ही नहीं, नीचे वाली तुरंत सोच लेते हैं कि हमें तो उल्टा वापस 20 चाहिए, 20 चाहिए तो कितना अधिक हो, 3 किस से, 17 से, और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे, 100 से, सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। आप ये बात ध्यान रखना, इनकम जो इसका पूरा बेसिक अगर आप लोगों को समझना है कि पूरा बेसिक, तो ध्यान रखना कभी भी अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, जैसे अपने पास टोटल कंजम्पशन एक्स है, ठीक है ना, टोटल जो अपने पास एक्सपेंडिचर है वो मान लीजिए एक्स है, टोटल एक्सपेंडिचर अपने पास कितना है एक्स है, तो एक बात ध्यान रखना, पहले प्राइस मान लो ए है, ए रुपीज़ पर केजी, और बाद में है बी रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर अब ए रुपये पर केजी के हिसाब से अक्स रुपये का खरीदा है, तो यहाँ पर कितने केजी खरीदोगे अक्स भाई, ये तो उसके प्राइस का रेशियो है, प्राइस कम या ज़्यादा हो ये उसके क्वांटिटी आ गई, अब क्वांटिटी का रेशियो होगा, यहाँ खरीदोगे अक्स भाई ए केजी, और यहाँ कितना खरीदोगे आप लोग अक्स भाई बी केजी। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालना चाहो तो अक्स एक्स तो कट गया है, रेशियो अगर आप लोग निकालना चाहो तो अक्स एक्स तो कट गया है, यहाँ पर बी इधर आ जाएगा, तो बी अनुपात ए, क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा बी अनुपात ए, ये अपने पास रेशियो हो गया। तो क्वांटिटी का रेशियो हमेशा इसके रेशियो से उल्टा होता है, या क्वांटिटी पहले दे दे तो इसका रेशियो। अब आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों को गुना अगर करें हम लोग, अक्स और इसको गुना करें तो टोटल तो अक्स ही आना है अपने पास, एक्स ए से ए कट जाएगा अक्स आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा अक्स आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो फिर क्वांटिटी का रेशियो रुपीज़ के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। तो ये कर सकते हो अपने पास, जैसे ही चीनी के मूल्य में प्राइस में कमी हुई, प्राइस का अगर रेशियो ये है, काटना चाहो काट लो, 5 से कट गया 20 बार और 5 से कितनी बार 17 टाइम, तो प्राइस का रेशियो अगर ये है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा 17:20, क्वांटिटी का रेशियो, पहले 17 खा रहा था 20 केजी खपत करने लग गया, तो 3/17 और गुना किससे करेंगे 100 से। कैसे भी समझ लो बेसिक क्लियर, वो बेसिक जो चीज़ें हैं वो जब हम लोग पढ़ाते हैं पूरी क्लास लेते हैं उसमें मैं क्लियर करता चलता हूँ। अब एक ही चीज़ को कभी भी, एक तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाओ तो परिमाप बराबर होता है, लेकिन एक ही चीज़ को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड, 6 सेंटीमीटर। अब इससे आसान क्वेश्चन बताओ क्या आएगा, आप खुद सोचो, इससे आसान क्वेश्चन एक बार सोचिए क्या आ सकता है क्या। एक ही चीज़ को पिघलाकर, तो इसका बड़े वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, 6³ 216, और छोटे वाले का ये 4/3 लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा कि ये तो कट जाएगा, और ऐसे एन गोले बनाए जा सकते हैं, तो एन से 4/3 π से 4/3 π कट गया, तो एन का मान 8 नीचे ले आओगे तो 8 × 2 = 16 और 8 × 7 = 56, ये आ गया 27, ये अपना आंसर है, एन की वैल्यू ये आ गई है 27। तो एक ही चीज़ को पिघलाकर दूसरी आकृति अगर बनाते हो आप लोग तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इसको करने के तरीके तो मान लो बेसिक से तो आप लोग कर ही सकते हो, 16 संख्याओं का औसत 48 है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 16 × 48, ध्यान देना। लेकिन मैं इसका एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, प्रथम 7 का औसत 45 है तो टोटल निकालना, तो 7 × 45 प्लस अगली 6 का औसत 52 है, 6 × 52, ये भी ठीक है। अब आगे देखिए, ये आप लोग पढ़ना, इसको पढ़ने की कोशिश करना आप लोग, यहां पर ध्यान दो, इस चीज को वापस से समझना आप लोग। यहां पर अपने पास ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन मैंने मिटा दिया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गए,
ये आगे तक जाएगा तो एक बार ध्यान दो, यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, ये थोड़ा आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर अपने पास 16 संख्या है और प्रत्येक 48 है, तो मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग सही समझ पाओ। अब आगे लिखा हुआ है अपने पास, जो अगर 14 नंबर जो संख्या है, 14वीं जो संख्या है वो 15वीं से 11 कम, 15वीं से 11 कम, तो 15वीं अगर अपने पास एक्स है या 14वीं को अगर एक्स मानो तो ये 11 कम, तो इसका मतलब 15वीं संख्या क्या एक्स प्लस 11 होगी क्या? इसको एक्स मानो तो एक्स प्लस 11, इसको एक्स मान लेते तो एक्स माइनस 11, जो भी मानो। 16वीं संख्या से 5 अधिक है और ये जो है वो 16वीं से 5 अधिक है, इसका मतलब 16वीं संख्या क्या एक्स माइनस 5 है क्या? यहाँ से सोल्व करके मुझे आप लोग ये बताइए कि एक्स की वैल्यू निकाल लोगे क्या? और ऐसे तो सभी लोग ही करेंगे, लेकिन मैं एक बढ़िया तरीका इसका बताता हूँ कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको करना कैसे है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, तो ये सभी संख्याएं लगभग 48 के नज़दीक ही आएंगी। फिर तो 7 संख्याओं का औसत अगर 45 है, होना 48 चाहिए, तो क्या 21 कम है क्या? प्रत्येक संख्या में 3 कम है, 7 संख्याएं 48 होनी चाहिए, लेकिन है औसत का मतलब प्रत्येक बराबर बराबर 45 है, तो डिफरेंस कितने का आया 21 का। अगली 6 संख्याओं का जो औसत है वो 52 है, यानी कि 48 से कितना ज़्यादा है 4, तो वो क्या 24 ले गए क्या? तो 24 प्लस का है यहाँ पर, तो बचा कितना 3, इसका मतलब आगे वाली संख्याएं 3 पहले ही ले रखी हैं 13वीं 14वीं और 15वीं से, तो बची हुई तीनों संख्याएं क्या 48 होनी चाहिए क्या? 48 होनी चाहिए अगर औसत अगर है तो, और 3 कम होना चाहिए, तो किसी भी एक संख्या से 3 कम करने के बजाय ये बची हुई संख्या मतलब 47 है, और फिर 3 नंबर जो है औसत अगर पूछे तो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करो, 3 नंबर का सम, इससे कैलकुलेशन बड़ी होगी, यहां से शुरुआत करो, 3 का सम तो है 141 और 3 संख्याएं 14वीं अगर x है, ये x प्लस 11 है और ये x माइनस 6 अगर है, तो यहां से अपने पास यहां से x माइनस 5 सॉरी, तो ये 6 बचेगा, 6 इधर जाके माइनस होगा, तो 3x बराबर 135 अगर है तो x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी यहां से 45, तो ये नंबर तो 45 और 45 ये इन दोनों का औसत पूछा है, तो या तो दोनों नंबर निकाल के ऐड कर लो, या यहाँ पर 45 रखोगे, यहाँ पर 45 रखोगे, यहाँ पर 45 रखोगे, तो 90 और 6 96 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 6 है, 11 में से 5 कम 6 और ये 90 है, दो 45 तो 96 को डिवाइड करोगे 2 से, तो एवरेज कितना आ गया 48, ये अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से कर लेना ताकि अपना आंसर आ जाए। अगला देखिए, ये आप लोगों को पता होगा कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये फॉर्मूला कहीं भी आप लोग पढ़ो, -3abc बराबर अगर 0 है तो फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा, कहीं भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पर ये इधर ले आओ, a का मान कुछ ना कुछ देगा, वहाँ a ही नहीं देगा, a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, -3abc बराबर 0 बचेगा, इसको उधर ले आओगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 0, तो लिखो x माइनस 5 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है, तो 3x इक्वल्स टू अपने पास आ गया 18, तो x का मान कितना आ गया 6, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने बनता है, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए, तो उस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा इसी तरीके से कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखो, और आसान है। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट ए प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% डिस्काउंट दे दिया उसने, ही गेन्स 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 460, व्हाट इज द मार्क प्राइस? देखना, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की, और ये इतने आसान क्वेश्चन आप लोग एक बार इनको पढ़ो और करने की कोशिश करो। अपने सामान पर कीमत पर अंकित मूल्य करता है, 25% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ मिलता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 460 हो तो उसका अंकित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या? कहीं भी आपने मेरी क्लास अगर ली हो तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इन दोनों का रेशियो, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या ऐसा आपको पता है क्या? नहीं पता तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए।
ये मैं आप लोगों को कभी भी कोर्स, ये सबसे सही तरीका है, कोर्स प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे या मार्क प्राइस देकर कोर्स प्राइस पूछे, उसका सबसे ठीक तरीका ये है। आपको लगेगा तो अजीब कि कोर्स प्राइस के लिए इस तरफ से डिस्काउंट लिख दिया और इधर प्रॉफिट लिख दिया, ऐसे कैसे, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 25 है, तो ये कोर्स प्राइस तो आ गया 75, और 100 प्लस प्रॉफिट ये अपने पास 20 है, तो ये आ गया अपने पास 120। कार्ड दो रेशियो निकालना है तो 15 से 5 बार और 15 से 8 बार, तो 5:8। अब एक चीज़, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस, तो 460 वैल्यू है 5 की, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 8 से, तो ये इससे 5 से कट जाएगा कितनी बार, 92 टाइम, 8 गुना 2 16, 9 8 72 और 1 73, 736 रुपये, जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे वो अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा ही मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हर क्लास में ही सिखाता हूँ। क्या आप लोगों को ऐसा पता है कि एक ट्रायंगल एबीसी में इनको आगे बढ़ाने पर, ये मान लो एंगल ए है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर बना एंगल, क्या 90 माइनस हाफ ऑफ ए, आपको ऐसा पता है क्या? ये चीज़ें तो बहुत आसान है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अंदर वाला ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, और क्यों होता है ये अगर चेक करना है तो आप लोग मेरी थ्योरी देख लीजिए, आप लोगों को अपने आप खुद को समझ में आ जाएगा ये ऐसा होता क्यों है। ये अगर देखना है तो आप लोग एक बार थ्योरी चेक कर लीजिए। ए बी सी में ए 50 डिग्री है, इसकी भुजाएं ए बी और ए सी बिंदु डी और ई इस प्रकार से बढ़ाई जाती हैं। यदि सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी ओ सी का मान कितना होगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए और हिंदी में भी पढ़ लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज 50, इट्स साइड ए बी एंड ए सी आर द प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी एंड ई। इफ द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी एंड बी सी ई मीट एट द पॉइंट ओ देन बी ओ सी इज इक्वल टू। तो देखिए आप लोग, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, जहां पर ए हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ए हम लोगों को दिया हुआ है 50 डिग्री, और इसको अगर आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, इनको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए, तो ये इनके जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं, इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें वहाँ पर बना जो एंगल होता है वो 90 माइनस हाफ ऑफ है। इसका आधा बताओ कितना है, 25, तो 90 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आंसर 65 होगा क्या? तो जिस ऑप्शन में 65 दिखाई दे रहा है उसको टिक करो। हाँ ना बोलिए, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, क्या ऐसी चीज़ें आप लोगों को याद हैं क्या? ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रकार से यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 16, अब इतना इससे आसान क्वेश्चंस क्या आएगा? तो पहला नंबर कितना होगा 16:4, और दूसरा नंबर कितना होगा 16:5, और दोनों का सम पूछा है तो 16 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा अपने पास 4+5 9, और 16 × 9 कितना होता है 144, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, जहाँ भी आप लोग कहीं भी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो रेशियो मेथड से करना, पढ़ो इसको। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 15 मिनट देरी से, और 80 किलोमीटर, ये कुछ नहीं है ना, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 7 मिनट देरी से, तो पूरी यात्रा को सही सही समय कितना समय लगेगा? इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। तो पहले स्पीड कितनी है, पहले जो स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर अपने पास स्पीड का रेशियो बताओ कितना आ गया 4:3, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का रेशियो होगा कितना 3:4, टाइम का रेशियो 3:4। अब यहाँ पर पहले 15 मिनट देरी से और 7 मिनट, अगर आपने पढ़ा है तो पता है कि जब भी देरी से और देरी से हो, दोनों ही अगर लेट हो तो फिर डिफरेंस लेते हैं 8 मिनट का, बट्टे अपने पास डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 1, और गुना कर दो अपने पास स्पीड का रेशियो, पहले स्पीड 60 है, पहले जो अपने पास स्पीड है 80 नहीं है, पहले जो स्पीड है वो अपने पास कितनी है 60, तो सभी मिटा देते हैं, उल्टा हो गया ना, पहले स्पीड 60 है और फिर स्पीड 80 है, ऐसा है क्वेश्चन में। तो स्पीड का रेशियो अपने पास 3:4 है, पहले 80 ले लिया, पहले ये है, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4:3।
यहाँ पर 8 मिनट का गैप है, 15 और 7 दोनों में गैप 8 मिनट का, देरी देरी से तो टाइम घटता है, दोनों बार लेट तो भी टाइम घटता है, दोनों बार जल्दी तो भी टाइम घटता है, एक बार लेट एक बार जल्दी तो टाइम जुड़ता ही, आपको पता होगा 8/1 और गुना कर दो आप लोग 4 से तो 32 मिनट। 32 मिनट में अगर पहुँच रहा है और वो पहुँच रहा है 15 मिनट देरी से, तो सही टाइम निकालने के लिए क्या इसमें से 15 माइनस करना पड़ेगा क्या? तो 15 अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितने मिनट आएगा? 17 मिनट आ जाएगा और ये अपना आंसर है। अगर कोई स्टूडेंट 3 से गुना कर देता है तो वो 24 आ जाएगा, 24 में से 7 माइनस करना पड़ेगा तो भी अपना आंसर यही आएगा, तो 17 मिनट्स अपना आंसर है। अब ये आप लोग कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद को ही आना चाहिए। साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 66, तो ये हम लोग साइन स्क्वायर 25 तो ठीक है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री तो ठीक है, ये 90 से के इसको कोस स्क्वायर 24 लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही नीचे वाले को भी आप लोग चेंज कर लो, नीचे वाले को भी अगर चेंज करोगे तो ये कोस स्क्वायर 24 तो ठीक है, कोस स्क्वायर 24, और आगे वाले को भी हम लोग क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर 24 ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 से कम है ना, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर, इसको हम लोग साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये भी अपने पास 1। ऐसे ही आगे वाला जो बच गया ये वाला साइन स्क्वायर 21, तो ठीक है ऐसे कैसे रहने दो, आगे वाला कोस स्क्वायर अपने पास जब सोल्व करोगे तो कोस स्क्वायर 21 हो जाएगा, तो 1+1 आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये तो साइन स्क्वायर है ही, इसको हम लोग यहाँ पर कोस स्क्वायर 21 डिग्री अपने पास आ जाएगा, साइन स्क्वायर 61 है, 21 नहीं है 61 है, इसको आप लोग सही कर लीजिए, ये 61 है ना, साइन 21 नहीं है 61 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 61। तो 61 वो बात एक ही है, साइन स्क्वायर 61 और कोस स्क्वायर 61 कितना होता है 1, तो 1+1 आंसर कितना आ जाएगा 2, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 अगर दीवे और उसका विकर्ण दिया हुआ अगर 8, तो आपको या तो डायग्राम बनाकर देख लो या एक फॉर्मूला याद होगा, d1² + d2² = 4 × side² तो एक साइड अगर 5 है तो डायगोनल अगर 8 है तो ये बचा 4, तो 90 डिग्री होता है, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 3, तो एक डायगोनल तो हो गया 6 और दूसरा हो गया 8। फॉर्मूले कम रटना है, ऐसे ही कर लेना इस क्वेश्चन को, और इसके एरिया का फॉर्मूला तो 1/2 × d1 × d2, तो 48/2 का मतलब 24 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ये आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पर मैं डेली आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली वीडियो मिलते रहें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अब कुछ दिन मैं आप लोगों को सीपीओ के पेपर ही सोल्व करवाऊंगा, और सीपीओ से पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस वापस बन सकते हैं, तो इसको आप लोग देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में फिर मिलता है।